को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक नया और फ्रेश वीडियो में। तो फिलहाल अब ये दोस्तों हम आ चुके हैं चीताखाल के बाबा बालनाथ के स्थान पे, और सामने देखिए आप कितना बड़ा पंडाल लगा हुआ है। आज यहाँ से कलश यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है, तो आइए एक नज़र आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज से यहाँ पे यज्ञ का प्रारंभ होने जा रहा है, उसी के सापेक्ष ये कलश यात्रा रखा गया है। तो आइए आपको एक नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का, और सर्वप्रथम हम बाबा बालनाथ का आशीर्वाद लें। आप सब भी आइए और दुबे बाबा से आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। चलिए तो आप सब भी हमारे साथ चलिए और बाबा बालनाथ का आशीर्वाद लीजिए और फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सर्वप्रथम हम और आप सब मिलकर बाबा को नमन करेंगे, और नमन और पूजन करने के बाद फिर हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। जय बाबा बालनाथ। जय हो तिवारी बाबा। समस्त हमारे YouTube परिवार को और समस्त जन को यहाँ पे आए हुए सभी का कल्याण कीजिएगा। आप सब भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा हो जाइए। तो दोस्तों आप सब अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। आइए आपको दिखाते हैं आगे। आगे अतिथि भवन बना हुआ है। अतिथि भवन के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं चंदा संकलन बना है, और प्राथमिक उपचार केंद्र भी बना है, और देख सकते हैं सामने की बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बहनें आई हुई हैं यहाँ पे कलश यात्रा को सुशोभित करने के लिए। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो लड़के लोग हैं और पुरुष वर्ग है, वो दूसरी तरफ इन लोगों का लाइन लगाया गया है। आपको बता दूं कि मेरे करण अर्जुन सामने आ रहे हैं, हमारे बड़े जीजा अनिल यादव और साथ में रवि भैया को दिल से नमन और सलाम। ये लोग हमारे हिम्मत है, और इन लोग से और इनका आशीर्वाद लेकर और इनका आदेश हमारे सराखों पे हमेशा है एकदम। तो इनके तरफ से हमें मिल गया हरी झंडी। तो चलिए शुरू करते हैं अब तक का बेहतरीन ब्लॉग। बड़े जीजा अनिल यादव के साथ रवि भैया भी मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, और सामने की तरफ सभी कमेटी के मेंबर जितने हैं सभी लोग पूरी तरह से सज्ज हैं, तैयार हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि हाथी घोड़ा और ऊंट हर प्रकार की व्यवस्था की गई है यहाँ पे कलश यात्रा में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सामने से आ रहे हैं अभी जो कि यज्ञ का महाअध्यक्ष है। तो कलश यात्रा की प्रारंभ बस होने वाली है, और कलश यात्रा के समय कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा आप ध्यान से सुनिए। चल के स्लो करे करे, जहाँ गाड़ी गाड़ी से हो जाए और आगे थोड़ा सा स्लो करे, सब में जुट जाए धीरे धीरे। तो इस प्रकार तैयारी आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल पे हो रही है। तो दोस्तों हम भी पूरी तरह से तैयार हैं आप सभी को ये पूरा कार्यक्रम दिखाने के लिए। तो आप सब अपना प्यार हमें कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा हो जाइए। साइड में सभी मुख्य अतिथिगण बैठे हुए हैं, और बहुत दूर दराज से सभी लोग इस कलश यात्रा को शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। और एक तरफ हमारे महादेव और माता पार्वती जी का रथ, और दूसरी तरफ मेरे माधव कृष्ण और राधा जी का रथ तैयार हुए हैं। और इसी क्रम में आप देखिए ये हैं हमारे परिवार के छोटे सरकार। सामने देखो कैमरा में, टाटा बोलो, टाटा इसे टाटा करो मामा, बोलो कौन है बाबू, क्या हो गया। हमारे रवि भैया और बड़े भैया बहुत ही सुंदर तरीके से आप देख सकते हैं कि व्यवस्था को संभाले हुए हैं लोग। अरे बैठान भैया, काहे उठ गेलो, कलश यात्रा के समक्ष में दान देना चाहिए, कलश के संबंध में दान कर सकते हैं। हां बोलो बोलो, बैठाओ बैठाओ लोग सब जाने का। आप समझ सकते हैं दोस्तों इतना बड़ा जन सैलाब को कंट्रोल करना और एक साथ सबको ले चलना कि किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो
इस कलश यात्रा को और भी सुशोभित करने के लिए तमाम जगह से दूर दराज से आए हुए माताएं और बहनों को मेरा नमन और नमस्कार। सब एक बार जयकारा मनाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए बाबा के स्थान पर। बात है, पूरा पंडाल जयकारा से गुज गया। दोस्तों आप सब अपना प्यार लाइक के माध्यम से बताते रहिएगा। आइए एक बार फिर जोर से जयकारा मनाते हैं। जय जय। आइए आपको मिलवाते हैं इस कमेटी के मुख्य सदस्य से और उनके सहपाठियों से। सब कुछ यही है। सामने आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे आदरणीय विवेकानंद भैया और जस्ट इनके बगल में हमारे डॉक्टर अभय भैया, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से सभी लोग अपना इस यज्ञ में छोटा सा किरदार निभा रहे हैं। समस्त जन को मेरा नमन और बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सबसे मिलकर। आप सब भी वीडियो को लाइक और भैया के सराहनीय कार्य के लिए सारा प्यार अपना कमेंट के माध्यम से दिखा सकते हैं। बस कुछ ही क्षण के बाद इस भव्य कलश यात्रा को शुभारम्भ किया जाएगा और महादेव का रथ सर्वप्रथम सबसे पहले विराजमान हो गया है। और हमारे विवेकानंद भैया को आप देख सकते हैं सिंघम की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। सराहनीय कार्य के लिए भैया को दिल से सैल्यूट है एक बार। और हमारे बड़े भैया भी माताओं बहनों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको जाना है, किस प्रकार से व्यवस्था को मेंटेन करना है। बहुत लोग हमें जानते होंगे, बहुत लोग हमें नहीं जानते होंगे, तो आप सबको मेरा दिल से नमन है। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा हो जाइए। आप सभी का अभिनंदन करते हुए हमारे माधव श्री कृष्ण और साथ में राधा रानी सरकार की जय हो। आप सभी कमेंट के माध्यम से जयकारा और अपनी हाजिरी जरूर लगाएं भव्य कलश यात्रा में। जय श्री राधे। तो इस पावन अवसर पे हमारे यजमान लोग आगे आगे कलश यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इस मंगल कार्यक्रम पे कुछ मंगल गीत हो जाए आप सबके लिए। अमाना अमंगल हरि राघो नंदन हरि। और बहुत ही सुंदर तरीके से सभी माताओं बहनों को क्रमबद्ध तरीके से दो लाइन बनाया गया है और बहुत ही सुचारू रूप से सभी प्रक्रिया को किया जा रहा है। और हमारे कमेटी के मेंबर आप देख सकते हैं बहुत उचित कार्य कर रहे हैं, प्रारंभ से ही सभी को क्रमबद्ध तरीके से लगा रहे हैं कलश उठाने के लिए। तो लाइन से बस लाइन की शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं बाबा बालनाथ की असीम कृपा समस्त हमारे दोस्त भाइयों बंधुओं पर बनी रहे। हमारे बड़े भैया ऑन ड्यूटी आप देख सकते हैं इनको। और अभी काफी ज्यादा जन सैलाब उमड़ा हुआ है और दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि कलश माताएं बहनों को कैसे दिया जा रहा है, वहाँ पे कैसा प्रबंध है। आइए आपको पास से एक बार एक नजर दिखाते हैं यहाँ पे। और आपको बता दे कि दोस्तों सबसे ज्यादा मेहनत यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है कि यहीं से लाइन की प्रारंभ होती है। और आप देख सकते हैं कि ज्यादा संख्या में यहाँ पे माताएं बहनें आई हुई, काफी ज्यादा भीड़ लगा हुआ है। कमेटी पूरी तरह से सज्ज है इन सभी को मेंटेन और प्रबंध करने के लिए। और इसी बीच आपको दिखाते हैं हमारे यूट्यूब परिवार की एक मेंबर मिल गई जो हमको पहचान ली और उनकी खुशी आप देख सकते हैं। ये सामने देखिए इनको। और आप सब समझ सकते हैं दोस्तों इतना भारी जन सैलाब को मेंटेन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आप देख सकते हैं कि काफी समय बाद इन्होंने हमको पहचान लिया है। और आप सब भी वीडियो को लाइक कीजिए और इनकी खुशी देखिए। दोस्तों ये सब देख के काफी ज्यादा खुशी होती है कि इतने सारे मेंबर में हमारे भी परिवार के कुछ सदस्य है। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का आप सब भी हिस्सा हो जाइए। और सामने की तरफ आपको एक नजारा दिखाते हैं कि कितना भारी मात्रा में यहाँ पे माताएं बहने आई हुई हैं। अभी भी कतार चल ही रहा है, करीब आधे घंटे ऊपर हो गए। आपको दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि अभी कतार कहाँ तक पहुँचा और अभी भी कितना बाकी है, ये देखिए सामने हमने। तो दोस्तों इस भव्य कलश यात्रा का शुभारम्भ हो चुका है और
हमारे बड़े भाई डॉक्टर अभय भैया को और इनकी समस्त टीम को, कमेटी को हम बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे। करीब एक घंटे होने वाले हैं, अभी भी जन सैलाब वैसा का वैसा भरा हुआ है। आइए कुछ सूचना यज्ञ की कमेटी द्वारा आपको सुनवाते हैं। जय जय राम, जय जय राम। आप सारे माताएं और बहनों से अनुरोध है कि कृपया शांत बनाए रखें। हमारे पास कलश पर्याप्त है, कलश सबको वितरण किया जाएगा। सारे माताएं और बहनों से अनुरोध है, बार बार अनुरोध है कि शांत बनाए रखें। आप लोगों की विनती है माताओं से कि बिल्कुल शांति आप लोग बनाए रखिए और हमने बारी के इंतजार करिए और सोने के भाग्य करिए। बहनों से अनुरोध है कि कृपया शांत बनाए रखें। सूचना आप सबने सुना और हमारे जीजा जो कि कलश ये भी बांट रहे हैं, कुछ परिवार के सदस्य आए हुए हैं तो इन्हीं को कलश बांट। और समस्त जन को संपूर्ण कलश मिले। और इसी क्रम में बीच बीच में आपको बताया जा रहा है कि आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिलहाल भाभी अभी शर्मा रही हैं, आप देख सकते हैं सामने से। खैर, आप सब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भए अनुकूल। काफी संघर्ष और काफी बेहतरीन तरीके से संपूर्ण कमेटी काम कर रही है और रवि भैया हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट को देख रहे हैं। यहाँ पे पूरी कमेटी बहुत सुंदर तरीके से माताएं बहनों को कलश बांट रही है, सबको कलश दिया जाएगा। इसीलिए बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप सब धैर्य बनाए रखिए माताएं बहने, सबको कलश मिलेगा। कलश पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे रखा गया है। धन्य हो हमारे दुबे बाबा, धन्य हो बाबा बालनाथ और धन्य हो चीताखाल स्थान जो कि इतना भव्य कार्यक्रम करा रहा है। अभी आपको बता दें कि माताओं का सभी लाइन संपूर्ण हो गया और फिलहाल यहाँ पे अभी बैंड पार्टी शुरू हो गई। और दूसरे तरफ हमारे माधव श्री कृष्ण और हमारी प्रिय राधा रानी सरकार रथ अब सामने आ रहा है। हमारे पुरुष वर्ग और हमारे युवा वर्ग को लेकर चलेंगे हमारे प्यारे कृष्ण और राधा रानी सरकार। तो आप सब कमेंट में जरूर लिखिए श्री राधे राधे, जय हो राधा रानी सरकार। फिलहाल यहाँ पे महिलाओं का लाइन पूरी तरह से खत्म हो गया, बस कुछ बची हुई है। तो आपको दिखाते हैं कि अभी तक महिलाएं वर्ग का लाइन कहाँ तक चला गया। करीब डेढ़ घंटे हो गए, सामने आप देख सकते हैं अभी भी उतना ही जन सैलाब भरा हुआ है, उतनी ही भीड़ से अभी भी कतार चल रही है। और एक हमारी कमेटी का जो कि बहुत बड़ा संगठन दूसरे वर्ग पुरुष वर्ग को लेकर आ रहा है, ढोल नगारों के साथ अभी आ रहे हैं हमारे राधा रानी सरकार और हमारे प्रिय माधव श्री कृष्ण। तो पीछे कितना ज्यादा जन सैलाब उमड़ा हुआ और ये नजारा देख के सुकून मिलता है। कि पूरी द्वारिका धीस मथुरा के तरफ प्रस्थान कर दिया, आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। और हम भी आप सभी के लिए ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सब अपना प्यार हमें जरूर बताइए कमेंट में। सभी को कलश यात्रियों को आगे निकालकर हमारे डॉक्टर अभय भैया और इनकी समस्त टीम एक साथ निकल चुकी है कमांड के लिए। आप सभी दोस्तों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी यहाँ पे मेंबर आए हुए सबके पास ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा, ये लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि सभी लोग इसका दृश्य का आनंद लें और सभी लोग अपने आप को तराशे कि हम इस वीडियो में कहाँ हैं। और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो किस किस गांव तक गया है। तो इसी बीच आपको एक कुछ खास अनाउंसमेंट सुनवाते हैं भैया के द्वारा हमारे। जितने भी यज्ञ समिति के कार्यकर्ता है, जो भी कार्यकर्ता है अभी तक इधर उधर घूम रहे हो तो कृपया करके
सभी लोग चले गए हैं, हम लोग का भी बस रथ तैयार हो रहा है। हम जीजा और रवि भैया, बाकी कुछ और भी मेंबर हमारे साथ चले गए। फाइनली हम लोग का रथ आ गया और बस इस रथ पर विराजमान होंगे हमारे माननीय श्री रवि भैया, और इस रथ को कमांड कर रहे हैं हमारे जीजा अनिल यादव, और हम भी इस परिवार के छोटे मेंबर हैं। इतना कड़ी मेहनत करने के बाद भी चेहरे पे मंद मंद मुस्कुरान है हमारे रवि भैया। हम लोग का भी रथ तैयार हो गया है, तो चलिए हमारे साथ आगे आपको दिखाते हैं भव्य जुलूस और काफी लंबी कतार में हमारी जो कि कल आप जितना भी कतार देख रहे हैं, सारी गाड़ियां भव्य जुलूस के लिए निकाली गई है। बता दे कि सिक्योरिटी यहां पे काफी हाई रेटेड है। आप देख सकते हैं बाइक के पीछे बैठ के हर एक छोटी गतिविधियों पे नजर रखा जा रहा है सीधा हमारे लाइफ से। आइए आपको आगे से दिखाते हैं कि अभी भव्य यात्रा कहां तक पहुंची है। तो सामने अभी हम हैं फिलहाल गुठनी चौराहे पे, और गुठनी चौराहे लंबी लाइन लगी हुई है, और यहां पे हमारी गुठनी थाना बहुत ही सुंदर तरीके से काम कर रही है। बिहार पुलिस भी आप देख सकते हैं, और साथ में हमारे न्यूज वाले भैया भी आए हुए हैं रिपोर्टिंग के लिए, और हमारे आशीष भाई को दिल से धन्यवाद, सभी को पानी का मुफ्त वितरण कर रहे हैं हमारे आशीष भाई। सभी के लिए देख सकते हैं कितना मेहनत किया जा रहा है दोस्तों। तो एक बार संपूर्ण भव्य यात्रा का दर्शन आपको कराते हैं, तो और इस भव्य कलश यात्रा का जो कि आगे का सभी समापन देखते हुए चल रहे हैं हमारे रवि भैया और अध्यक्ष महोदय, एक बार आप सभी का अभिनंदन करते हुए और बहुत ही सुंदर तरीके से इस भव्य कलश यात्रा का प्रबंधन कर रहे हैं आगे आगे। तो दोस्तों जिस घड़ी का आप सबका इंतजार था बेहतरीन समय से, तो बस उस पल आ गया है, आपको दिखाते हैं अभी। आप सामने हमारे देखिए हाथी घोड़ा और बहुत ही भव्य कलश यात्रा निकली हुई है यहाँ पे, श्री श्री 1008 श्री रुद्र महायज्ञ का ये भव्य कलश यात्रा एक नज़र आपको दिखाएंगे और आप देख के दंग रह जाएंगे कि इतना बड़ा जनसैलाब, इतना बड़ा कलश यात्रा आपने शायद ही कभी देखा होगा। तो आइए एक नज़र देखिए आप सब इस भव्य कलश यात्रा की। आप सब कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर बताइएगा कि कौन कौन इस कलश यात्रा में भाग लिया है, और कौन कौन इस वीडियो क्लिप में कौन कौन दिख रहा है, आप सब जरूर बताइएगा कमेंट करके।
तो आप अब तक अनुमान लगा लिए होंगे कि कितना भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ है कलश यात्रा के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे भव्य कलश यात्रा ये साबित हो रहा है। आप देखिए हमारे साथ साथ जो जो हमें पहचान लिया वो हाथ उठा के बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों आपको तो ये सब बहुत आसान लग रहा होगा, आपको हम दिखाते हैं कि हमारा हमने अपना स्टैंड कहाँ पे खड़ा किया और कैसे आपको ये सब दिखा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा स्टैंड कहाँ पे है। आप सबके प्यार और आशीर्वाद से ही ये सब संपन्न हुआ। अच्छा लगता है आप सबको हर एक डिटेल और बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लिप्स जो कि एक जगह समेट के आप सबकी यादों को रख देते हैं। तो आप सब भी सर्च करके कभी भी देख सकते हैं इस ब्लॉग को। तो भव्य कलश यात्रा में अब शुरू हुआ है नवयुवक और युवा दल के सभी लड़के कला नौजवान का भव्य रैली। आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब इस वीडियो को कम से कम 5 से 10 लोगों के बीच जरूर शेयर कीजिए। इतना भारी जन सैलाब उमड़ा आप सब देख सकते हैं और पीछे भी अभी सारी गाड़ियां आ रही हैं और हमारे जीजा जो कि इनको गाड़ी पकड़ा दिया गया है तो ये गाड़ी के चक्कर में पूरा भव्य यात्रा नहीं देख पाए। खैर कोई नहीं, आप इस क्लिप को देखिएगा। हमने भव्य यात्रा को एक संपूर्ण क्लिप में आप सभी के लिए कर दिया है, आप कभी भी सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बाबा बालनाथ के नाम पे इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि हर एक जगह ये वीडियो फैल जाए। तो आप सबका प्यार बस यूं ही बना रहे, हमको क्या चाहिए, बस आप सबका प्यार और जितना शेयर हो सके आप सब जरूर कर दीजिएगा हमारे साथ इस वीडियो को। और हमारे रवि भैया को देख रहे हैं आप, बीच बीच में हर एक प्रबंध को देखते हुए चल रहे हैं ये आगे। तो दोस्तों आप सभी कमेंट में जयकारा लगाइए, जय जय। आइए कोशिश करते हैं आगे से आपको दिखाने के लिए जन सैलाब को। और एक जरूरी अनाउंसमेंट आप सभी भक्तों के लिए, किसी माताएं का पायल गिर गया है हमारी कमेटी में जमा हो जाता है, आप कमेटी से आके संपर्क कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों अभी वीडियो को रोकते हैं यहीं पे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और अब इसका सेकेंड पार्ट जो कि इसके आगे का भाग है बहुत जल्द ला रहे हैं। अपना एक्साइटमेंट हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, राधे राधे।